चम्स देखिए, ये आज के दिन का सबसे बड़ा एक्शन है या इसे अब तक का सबसे बड़ा एक्शन भी कहा जा सकता है जब इस तरह की रेड सीधे घर पर होती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है वो ये कि जब रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल फोन है, उसमें डेटा डिलीट हो जाता है, खुद रिया चक्रवर्ती अपने मोबाइल के मैसेजेस डिलीट कर देती हैं, उन्हें वापस रिट्रीव किया जाता है, ऐसे में इस छापेमारी का इतने समय बाद क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें। कल रात को एनसीबी ने बड़े ही गुप्त तरीके से ये पूरी प्लान किया कि सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन करना है, और देर रात में ये पूरी प्लानिंग हुई थी कि एक साथ सैमुअल मिरांडा और खासतौर पर शौविक चक्रवर्ती। एक चीज और क्लियर कर दूं कि आज जो एनसीबी की पूरा ये जो सर्च ऑपरेशन था, इसमें रिया नहीं थी, इसमें पूरा फोकस था शौविक, और इसीलिए सिर्फ शौविक को समन दिया गया और सैमुअल मिरांडा को दिया गया। सर्च ऑपरेशन का मतलब और मकसद ये था कि जो अब तक दो ड्रग पेडलर जाहिद और बासित मिले हैं, जाहिद और बासित, उन्होंने जो कुछ बताया उसके जरिए एक उम्मीद थी कि शायद इस घर से कोई ऐसा सबूत मिले जो एनसीबी के काम आए और इनकी गिरफ्तारी तक बात पहुंचाई जा सके, इसीलिए दोनों पहुंचे। लेकिन एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से सैमुअल के भी घर से और शौविक के भी घर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। हाँ, मोबाइल इन्होंने लिए है, लैपटॉप लिए है जिसमें पुराने डेटा है, बातचीत है, ये सारी चीजें ली गई हैं। अब इन दोनों को संबंध दिया गया, हालांकि संबंध देने के बाद दोनों को एनसीबी कहा गया था पहुंचने के लिए, लेकिन मीडिया का जमावड़ा शौविक के घर के बाहर भी और सैमुअल के घर के बाहर भी, तो वहां पे ये लगा कि इनको साथ ही ले जाना चाहिए, तो संबंध देने के बाद इसीलिए साथ ले जाया गया। अब एनसीबी में शाम तक पूछताछ होगी, लेकिन एक आपको बात बताऊं मीनाक्षी कि ये पूछताछ आज की इन दोनों के लिए बहुत अहम है। अगर एनसीबी को कोई ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है जो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन या ड्रग्स की बिक्री को लेकर इनके साथ तार जुड़ते हैं, तो शायद एनसीबी शाम तक इन दोनों की गिरफ्तारी का भी ऐलान कर सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये जो पूछताछ होगी इसमें ये क्या बताते हैं, और जो दोनों ड्रग पेडलर है उनके आमने सामने बैठकर जो पूछताछ होगी उसमें वो दोनों क्या बताते हैं और दोनों में से कोई सबूत मिलता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत मुमकिन है कुछ धाराएं ऐसी है एनडीपीएस एक्ट में जिसमें ड्रग्स बेचने और ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज सबकी नजर यही होगी कि एनसीबी के दफ्तर के बाहर समन देकर बुला लिया गया, अभी तक ना ये हिरासत में है ना गिरफ्तारी हुई, ये भी बड़ा क्लियर है। लेकिन वहां जाने के बाद क्या एनसीबी इस बात का ऐलान करती है कि शाम को पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर हिरासत में ले लेती है, तो आज की शाम बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर शौविक चक्रवर्ती के लिए और इनके लिए। दूसरी एक बड़ी खबर और भी है, वो ये है कि न सिर्फ एनसीबी शौविक और इन दोनों बल्कि श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, इसके अलावा जो नीरज है, इन लोगों से भी पूछताछ करेगी बाकायदा इस सिलसिले में ड्रग्स के पूरे चेन को लेकर। श्रुति मोदी का नाम आ रहा है, एनसीबी ने कहा कि वो अभी उनके पास मौका है, वो पूछताछ करेंगे। रिया चक्रवर्ती से अलग पूछताछ होगी। आज की पूरी जो सर्च ऑपरेशन और ये सारी चीजें हैं ये सिर्फ शौविक के लिए थी, मतलब रिया के भाई के लिए। अभी रिया का नंबर आना बाकी है, रिया और उनके माँ बाप अभी सीबीआई के पास लगातार जा रहे हैं, ईडी के पास जा रहे हैं। अब पहली बार ऐसा होगा जब शौविक के बाद रिया से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि शौविक के जितनी भी बातचीत है या ड्रग्स को लेकर जितनी भी खरीद फरोख्त की बात हो रही है उसमें रिया हर एक के साथ चैट में मौजूद है, चाहे वो श्रुति मोदी हो, चाहे वो सैमुअल हो, चाहे वो शौविक हो। इसलिए रिया और श्रुति मोदी ये दोनों एक अहम कड़ी है जिनसे अभी पूछताछ होगी। लेकिन आज नजर शाम पे होगी कि पूछताछ के बाद शौविक घर लौटता है या फिर एनसीबी कुछ और ऐलान करती है। जी शम्स, एक बात और बताइए, जब ये रेड हुई है रिया चक्रवर्ती के घर पर तो वहां पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर मल्होत्रा भी शामिल थे, उनके वहां शामिल होने का क्या अर्थ है? और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उनके प्रोफाइल के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि एक धाकड़ ऑफिसर माने जाते हैं और बीते कुछ वक्त में बड़ी सीजिंग्स उन्होंने ड्रग्स को लेकर की हैं। देखिए, जिस दिन से दिल्ली से यहाँ एनसीबी की टीम आई है, जो डायरेक्टर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने बाकायदा ये केस दिया मल्होत्रा साहब को और वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनके चूंकि नारकोटिक्स को लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके लिए मल्होत्रा साहब जाने जाते हैं, लेकिन साथ में एक दूसरे अफसर को उनके आने के चार पांच दिनों के बाद, जो समीर वानखेड़े हैं, डीआरआई में थे पहले, हालांकि छह महीने से उनकी पोस्टिंग रुकी हुई थी, लेकिन अब उसको भेजा गया खास तौर पर इस केस के सिलसिले में, इसलिए कि मुंबई में समीर वानखेड़े को ड्रग्स के सिंडिकेट के बारे में काफी काम किया और काफी जानकारी है उनके बारे में। मशहूर है कि फिल्म इंडस्ट्री से और फिल्मों से उनका बड़ा अच्छा रिश्ता कभी नहीं रहा, और फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम से ही घबराते हैं। तो जैसे ही समीर वानखेड़े की भी एंट्री इसमें होती है, ये बात सिर्फ सुशांत की मौत तक ड्रग्स का नहीं है बल्कि अब बॉलीवुड में भी खलबली मच गई है कि समीर वानखेड़े के तार वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक खुला सच है कि इस्तेमाल होता है, बेचा जाता है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल आते हैं, कई बार रेड हुई, कई सितारे पकड़े गए। तो समीर वानखेड़े की एंट्री
इन दोनों लोगों के एंट्री से थोड़ा सा बॉलीवुड भी घबराया हुआ कि पता नहीं कौन पेडलर और कौन कब ड्रग माफिया किसका नाम ले ले। तो इसीलिए ये सारी जो जांच है और ये दो सीनियर अफसर हैं, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, केस बड़ा है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, चूंकि अभी तक आप वैसे कायदे से देखें तो बासित तो जो जैद हैं ये दोनों बहुत बड़े ड्रग सप्लायर नहीं है, ये बहुत बड़े ड्रग के दुनिया में नाम नहीं है, ये पेडलर है जो छोटी छोटी जगहों पर ड्रग सप्लाई करते हैं। बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। जो शौविक या रिया या श्रुति मोदी ड्रग्स मंगाते थे, बीच में आपके बासित है, जैद है, सारे लोग हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है, ये वो जो बड़े बड़े नाम हैं वो कब सामने आएंगे, इस पे हर एक की नजर है। और यही वजह है कि एक खलबली मची हुई है कि एनसीबी पता नहीं इस तार को कहां तक ले जाती है और इससे बॉलीवुड भी घबराई हुई है। मीनाक्षी।